नाले में भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई है। भीलवाड़ा में भ्रूण पाया गया है नाले में, नई आबादी क्षेत्र की घटना है। शाहपुरा थाने पुलिस मौके पर पहुंची है और भ्रूण को सेटेलाइट चिकित्सालय की मॉर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस टीम जांच में जुट गई है। तो एक बार फिर से ये मामला सामने आया है, लगातार भ्रूण मिलने के मामले सामने आते रहे हैं और एक बार फिर से नई आबादी क्षेत्र में भ्रूण पाया गया है। पुलिस ने इसे अपने कब्जे में लेकर मॉर्चरी में रखवा दिया है। विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने कांग्रेस विधायक रमेश मीणा को आसन की अवहेलना के मामले में सदन की कार्यवाही से बाहर निकालने के आदेश दिए। अध्यक्ष ने विधायक रमेश मीणा के व्यवहार से खिन्न होकर कहा कि वह सदन को चौराहे का मंच नहीं बनने देंगे। शून्यकाल में विधायक रमेश मीणा ने अध्यक्ष कैलाश मेघवाल को चुनौती दी थी, इससे नाराज होकर विधायक ने उन्हें बाहर निकालने का आदेश दिया। रमेश मीणा स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से डोडा पोस्ट की तय दर से अधिक दरों पर बिक्री का मामला उठाना चाहते थे, लेकिन अध्यक्ष ने इसकी अनुमति नहीं दी। विधानसभा में दूषित पेयजल का मामला उठा। सदन में जोधपुर में पेयजल संकट का मामला विधायक सूर्यकांता व्यास ने उठाया। सवाल के जवाब में पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा कि पूरे जोधपुर में पानी की पाइपलाइनें बदली जाएंगी। इसके साथ ही सदन में कोटा विश्वविद्यालय में अनियमितता पर भी चर्चा हुई। विधानसभा में राशन दुकानों से खराब गेहूं वितरण का भी मुद्दा उठाया गया। उधर रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 5 बाघों के गायब होने का मामला सदन में गूंजा। राजपा विधायक किरोड़ीलाल मीणा ने शून्यकाल में यह मामला उठाया। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि रणथंभौर अभ्यारण्य से 5 बाघ गायब हैं। बाघों की मॉनिटरिंग में अफसर लापरवाही बरत रहे हैं, इसका नतीजा है कि बाघ गायब हैं। सरकार बताए कि बाघ गायब हो गए या बाघों का शिकार हो गया। बल्कि गायब हो रहे हैं। पिछले 6 महीने में नेशनल पार्क सवाई माधोपुर से 5 टाइगर गायब हो गए। उन टाइगरों का मैंने नाम भी बताया, नंबर भी बताया और मंत्री जी ने भी स्वीकार किया। इसमें जो मॉनिटरिंग प्रभावी होनी चाहिए थी, जो ट्रैकिंग प्रभावी होनी चाहिए थी, वो मॉनिटरिंग प्रभावी नहीं है, वो ट्रैकिंग प्रभावी नहीं है। सरकार के अधिकारियों की लापरवाही है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में लापरवाही के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बार तो डॉक्टरों ने सारी हदें पार कर दी। 15 साल के किशोर की मरहम पट्टी कर ऐसे भूले कि उसके घाव में कीड़े पड़ गए, अब बच्चे की मौत हो गई है। आपको बता दें कि जयनारायण व्यास कॉलोनी में रहने वाला 15 साल का निर्मल गहलोत बचपन से ही मंदबुद्धि था। पिछले एक पखवाड़े से वो इलाज के लिए पीबीएम अस्पताल के आईसीयू में भर्ती था, उसके गले में घाव था। बच्चे के माता पिता ने आरोप लगाया कि इलाज में चिकित्सकों की ओर से घोर लापरवाही बरती जा रही है। हैरानी की बात यह है कि बच्चे के घाव में इतने कीड़े पड़ गए कि मां ने चुन चुन कर कीड़े निकाले। डॉक्टरों की जांच समिति बनाई है और जांच समिति के नतीजे आने के बाद अगर किसी भी व्यक्ति का इसमें दोष होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे और आइंदा इस प्रकार की कार्रवाई नहीं हो, इस प्रकार की लापरवाही नहीं, उसका बंदोबस्त करेंगे। जो गले में होल किया गया है सांस के लिए, इसमें कीड़े लग गए, 4 रोज से कह रहे हैं कि पट्टी चेंज करो, वो कर नहीं रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, इसकी वजह से इसमें कीड़े लग गए। 4 दिन कल शाम को हमने जबरदस्ती कंप्यूटर को पकड़ा के इसमें पट्टी को खुलवाया है, इतने सारे कीड़े निकले थे, कुछ तो हमने टेस्ट में डाल दिए, कुछ हमारे पास पड़े हैं। 14 दिन के बाद पट्टी नहीं हुई, एक बार 14 दिन में जिस वक्त ऑपरेशन हुआ ना उस वक्त पट्टी हुई, उसके बाद में 4 रोज से पट्टी नहीं हुई, एक रोज बीच में और अभी 4 रोज से हो गई। प्रदेश भर में किसान कुदरत की मार झेल रहे हैं। बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसल बर्बाद हो गई है, जिस वजह से किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों की 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। भरतपुर, बहरोड़ और लक्ष्मणगढ़ की है तस्वीर। पहली तस्वीर भरतपुर की है जहां लगातार जारी बारिश की वजह से फसल बर्बाद हो गई है। दूसरी तस्वीर बहरोड़ की है जहां बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। बहरोड़ के हमीदपुर, खोहरी और गदोज समेत दर्जन भर गांव में गेहूं, चना और सरसों की फसल बर्बाद हो गई है। आखिरी तस्वीर लक्ष्मणगढ़ की है जहां खेतों में पानी भर गया है, जिस वजह से गेहूं, सरसों और चने की फसल बर्बाद हो गई है। हर तरफ से निराश हो चुके किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। अलवर शहर के कोतवाली पुलिस ने पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल खुर्शीद खान को पुलिस की ड्रेस में
शराब के नशे में उत्पात मचाते हुए रोड नंबर 2 से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कांस्टेबल खुर्शीद ने शराब पी ली थी कि चौराहे पर नाले में उसका मुंह चला गया। पुलिसकर्मी द्वारा उत्पात मचाने की सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और उसे पकड़ कर थाने ले आए। वही पुलिसकर्मी खुर्शीद खान इतना मनमस्त था कि उसे होश नहीं था। कभी वो बीच सड़क पर उठकर बैठ जाता तो कभी राहगीरों से गाली गलौज करना शुरू कर देता। इस दौरान पुलिसकर्मी को शराब के नशे में उत्पात मचाते देख काफी संख्या में तमाशबीन यहां पर लोग जमा हो गए। कोतवाल गणपत राम ने बताया कि आरोपी कांस्टेबल खान की मेडिकल जांच कराई गई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस एक्ट 7 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। आरोपी कांस्टेबल सुबह से ही पुलिस लाइन कार्यालय से गैर हाजिर चल रहा था। जयपुर के प्रताप नगर थाना इलाके के महादेव नगर में पुलिस टीम पर बदमाशों ने हमला बोला। बदमाशों ने पुलिस टीम पर उस वक्त हमला बोला जब पुलिस एक वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर अपने साथ ला रही थी। पुलिस टीम को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने वांटेड अपराधी को पुलिस से मुक्त कराकर फरार हो गए। दर्जन भर बदमाशों के हमले में पुलिस का एएसआई घायल हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की जानकारी पुलिस वालों ने अपने आला अधिकारियों को दी। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इलाके की नाकेबंदी की गई लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर हमला करने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। 200 पुलिस की एक टीम आई थी यहाँ पे जो उनका एक वांटेड मुजरिम था जो जगदीश करोल के घर पर रुके होने की उनके पास सूचना थी तो वो लोग सीधे वहाँ पहुंच गए। उन्होंने मुलजिम को वहाँ ट्रेस भी कर लिया, पकड़ भी लिया। उसके बावजूद वहाँ के जो लोकल लोग थे, जगदीश करोल और उसकी फैमिली के लोग थे, उन्होंने बीच बचाव कर उसको छुड़ा दिया और मुलजिम वहाँ से भागने में सफल रहा। इसमें एएसआई की चोट आई है, एएसआई की तरफ से एक एफआईआर दर्ज हुई। भीलवाड़ा में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। 3 चोरों को स्थानीय निवासियों ने रंगे हाथों धर दबोचा। लोगों ने चोरों को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। प्रतापनगर थाना पुलिस को सूचना देने के घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची, इससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 2 चोर नाबालिग हैं। भीलवाड़ा में महज 3 दिन में चोरों की पिटाई का तीसरा मामला है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर भीलवाड़ा पुलिस कर क्या रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रों ने फीस वृद्धि को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों के बारे तो पिछले महीने राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक आयोजित की गई थी। उसके यूजी पीजी विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगातार 30 से 45 फीसदी फीस वृद्धि का फैसला लिया गया। विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया है। छात्रों का कहना है कि राजस्थान विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में अधिकतम ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र हैं। फीस वृद्धि से सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ेगा। छात्रों ने राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर अपना विरोध जाहिर किया, कुलपति के खिलाफ नारेबाजी भी की। देखिए पिछले दिनों में जो राजस्थान विश्वविद्यालय में सिंडिकेट की बैठक आयोजित हुई थी उसमें यूजी पीजी सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 30 से 45% जो फीस वृद्धि का निर्णय किया गया था उसके विरोध में राजस्थान विश्वविद्यालय का आम छात्र आज सड़कों पर आया है। हमारी मांग यह है कि जो फीस वृद्धि विश्वविद्यालय ने की है वो वापस ले और इसमें कोई संशोधित प्रस्ताव पास करे जो कि छात्र हित में हो, अन्यथा मैं आपके माध्यम से इस प्रशासन को चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर ये फीस वृद्धि वापस नहीं ली गई तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कुख्यात अपराधी आनंदपाल सिंह को डिडवाना कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सभा में पत्थरबाजी की और हुड़दंग करने के मामले में आरोपों के अभाव में उसे बरी कर दिया। वहीं दीवड़ गोदारा हत्याकांड में कोर्ट में उसकी पेशी भी हुई। सुनवाई के दौरान केस से जुड़े गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आपको बता दें कि आनंदपाल पर हत्या, लूट, डकैती और फिरौती के करीब 24 मामले दर्ज हैं। लालसोट के करणपुर में 3 साल की बच्ची के बोरवेल में गिरने की घटना के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने ग्राम सेवक और जमीन मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बोरवेल में बच्चे के गिरने की आए दिन होने वाली वारदातों के बाद अब प्रशासन खुले बोरवेलों को बंद कराने के लिए मुहिम छेड़ने जा रहा है। करणपुर में 3 साल की बच्ची खेत में खेलते समय 25 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई थी। गांव वालों के साथ पुलिस ने मिलकर बोरवेल के पास ही खुदाई कर बच्ची को जिंदा बचा लिया था। इस घटना के बाद प्रशासन चाहता है कि दोबारा ऐसी घटना इलाके में न हो और इसी के तहत जितने भी खुले बोरवेल हैं उनको बंद कराने की मुहिम चलाई जाएगी। पिछले कुछ दिनों में यहाँ 2-3 घटनाएं जिले में ऐसी हो गई जिसमें कल लालसोट की एक घटना शामिल है जिसमें बच्चा खुले बोरवेल में गिर गया। इस विषय में पहले भी माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार और राज्य सरकार ने इंस्ट्रक्शंस निकाले थे जिसमें ऐसे खुले बोरवेल को बंद करना और
खुले बोरवेल जिन लोगों के घरों में या खेतों में है उनके विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश हैं। खुले में जितने इस तरह के बोरवेल खुले हैं वो समस्त को या तो बंद करवाया जाए, और यदि फिर भी खुले बोरवेल रहते हैं तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाए और ऐसी दुर्घटनाएं जो है उन पर रोक लगाने की कोशिश की जाए, ये इसकी कंप्लायंस भी ली जाएगी। नागौर जिले के गच्छीपुरा थाने के बडू कस्बे में लुटेरे एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़ ले गए। एटीएम में 31,800 रुपए थे। वारदात की खबर तब लगी जब सुबह एटीएम पर लोगों की नजर पड़ी। लोगों ने एटीएम उखाड़ ले जाने की सूचना बैंक मैनेजर को दी। बैंक मैनेजर ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। लुटेरों ने बड़े ही शातिराना अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। एटीएम को उखाड़ने से पहले सीसीटीवी के 2 कैमरों को टेप लगाकर ढक दिया गया। वारदात को अंजाम टेप लगाने के बाद दिया गया। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई है। जोधपुर में सरकारी नालों से आ रहे दूषित पानी का मामला विधानसभा में भी गूंजा। प्रश्नकाल में विधायक सूर्यकांता व्यास ने सूरसागर क्षेत्र में पेयजल किल्लत का मामला उठाते हुए इसे सरकार से समाधान की मांग की। इसी दौरान सदन में मौजूद विधायक कैलाश भंसाली ने जोधपुर के 9 क्षेत्रों में गंदे पानी की सप्लाई होने की बात कहते हुए क्षेत्र में पीलिया फैलने की बात कही। विधायक जोगाराम पटेल ने इस समस्या का स्थायी समाधान करने की मांग की। जवाब में जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी ने जोधपुर में 750 करोड़ की लागत से चल रही 2 पेयजल योजनाओं की जानकारी देते हुए समस्या का जल्द ही समाधान करवाने का आश्वासन दिया। समय से ये बीमारियां दूषित पेयजल जोधपुर की जनता को मिल रहा है, जिससे अनेक बीमारियां फैल रही है। पीलिया के रोग ज्यादा आ रहे हैं। अस्पताल में भी दिनों दिन रोगियों की संख्या बढ़ रही है। हमने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया कि जोधपुर परिक्षेत्र में जितनी भी पुरानी पाइपलाइन है उनको बदला जाए, उनको अलग से रखा जाए और सिविल लाइन है उनको अलग से रखा जाए। पोखरण में एक महिला ने तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला ने ज्ञापन में बताया कि रावतसर तालाब के पास 5 महीने पहले पूर्व सरपंच और उनके बेटे उनके भूखंड पर आए। भूखंड पर पड़े 10 ट्रोली पत्थर और 10 ट्रॉली मुरड़ बिना पूछे चोरी की नीयत से ले गए। इस संबंध में 20 फरवरी को थाना रामदेवरा में लेकर शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन आज तक मुकदमे की प्रति नहीं दी गई। इसके बाद डिप्टी कार्यालय में शिकायत पेश की गई, लेकिन वहां भी न्याय नहीं मिला। थानाधिकारी की ओर से धमकाया भी जा रहा है। महिला ने ज्ञापन में मांग की है कि जल्द कार्रवाई करते हुए न्याय नहीं दिलवाया जाएगा तो उसे इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी जाए। राजस्थान शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। 5वीं क्लास की पाठ्य पुस्तक में शहीद की शहादत का पाठ पूरे साल गलत पढ़ाया गया। द ब्रेव मदर में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की शहादत का दिन 19 अक्टूबर 1927 छापा गया है, जबकि उनकी शहादत 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। क्लास में बच्चों को रामप्रसाद बिस्मिल की शहादत की तारीख किताब के मुताबिक ही बताई गई। अब परीक्षाएं सिर पर है, छात्र जवाब भी गलत ही देंगे। इस गलती के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी न तो शिक्षकों की चिंता है और न ही सरकार को। जोधपुर में सीबीआई ने रिश्वत लेने के आरोप में आयकर विभाग के चीफ कमिश्नर और आयकर अधिकारी को हिरासत में लिया। दोनों अधिकारियों ने एक ज्वेलर से 15 लाख रुपए की रिश्वत ली है, जो सीबीआई ने बरामद कर ली है। बाड़मेर के एक व्यापारी की शिकायत पर सीबीआई ने कार्रवाई को अंजाम दिया। व्यापारी ने शिकायत में कहा था कि उसके फॉर्म पर साल 2011-12 के बकाया को निपटाने के लिए आयकर आयुक्त ने 23 लाख रुपए मांगे थे। बाद में 15 लाख रुपए सौदा हुआ। आरोपी अधिकारी और ज्वेलर से पूछताछ की जा रही है। कंडक्टरों से मंथली वसूली के मामले में रोडवेज में सहायक यातायात निरीक्षण के पद पर कार्यरत शीला चावला को दलाल के साथ एसीबी ने गिरफ्तार किया है। दोनों किशनगढ़ बस स्टैंड पर एसीबी के हत्थे चढ़े। एसीबी ने परिवादी की शिकायत पर 18,000 रुपए की रिश्वत के साथ दोनों को धर दबोचा। एसीबी की टीम ने दोनों को गिरफ्तार कर अजमेर लेकर गई है। एसीबी की टीम ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने 2 तांत्रिकों पर हत्या का आरोप लगाया है। घटना केसरे सिंहपुर कस्बे की है, जहां 1.5 महीने पहले जगजीवन की मौत हो गई थी। परिजनों ने कहा कि जगजीवन का कुछ तांत्रिकों के पास आना जाना था। आरोप है कि दोनों तांत्रिकों ने जगजीवन की सारी जमा पूंजी हड़प ली और उस पर और पैसे देने का दबाव बना रहे थे। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, तो पुलिस मामले की तहकीकात करने की बात कह रही है। फोन में रिकॉर्डिंग मिली थी हमें,
वो रिकॉर्डिंग में था कि वो किसी बाबा के चक्कर में थे जिन जो उन्हें डरा रहे थे और उनसे पैसे मांग रहे थे। इनके चक्कर में उन्होंने जमीन भी दे दी अपनी और ज्वेलरी वो भी दे दी, बाइक थी पहले वो दी, लैपटॉप सब सब कुछ बेच दिया उन्होंने। बाबा कौन थे, उन्होंने उसके मोबाइल नंबर दिए हैं, उसके पता लगाएंगे, उनके अकाउंट में जो पैसे जमा हुए हैं बाबा, उस मृतक ने जो अकाउंट में हमने पैसे जमा कराए हैं बाबा के, उसके बारे में पता कर रहे हैं और तफ्तीश करके जो वास्तविक तौर पर निचोड़ निकाल के और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर में पिछले 10 दिनों से चल रहा पुलिस और वकीलों का विवाद खत्म हो गया है। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वकीलों की हड़ताल खत्म हो गई। मंगलवार से वकील काम पर लौट आए हैं। वकीलों की हड़ताल खत्म होने की घोषणा बार अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ ने कोर्ट में वकीलों के सामने की। इस दौरान वकील दो गुटों में बटे नजर आए। दोनों गुट में जमकर बहस होने के बाद विरोधी पक्ष ने वर्तमान कार्यकारिणी को भंग कर जल्द चुनाव कराने का ऐलान कर दिया। दूसरे गुट के कार्यकारिणी सदस्य पंकज गोपाले और प्रवीण मित्तल ने बताया कि वर्तमान अध्यक्ष और सचिव ने वकीलों को बिना बताए हाईकोर्ट में हड़ताल खत्म करने की घोषणा कर दी। इसके विरोध में नाराज वकीलों ने जनरल बोर्ड की मीटिंग बुलाकर नई कार्यकारिणी बनाई है जो इस आंदोलन को जारी रखेगी। भरतपुर जिले के पहाड़ी थाने के पुलिस ने अवैध हथियारों के अंतर्राज्यीय गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर थाने के बलका रोड से अवैध हथियारों के साथ गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से 6312 बोर के कट्टे और 20 जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी अपनी मोटरसाइकिल के डिग्गी में हथियार छिपाकर ले जा रहा था। पकड़े गए आरोपी का नाम सहजाद का बेटा जडमल बताया जा रहा है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि हथियार उत्तर प्रदेश से लाया था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पुलिस को किसी बड़ी साजिश की आशंका है। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में स्टाफ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अस्पताल में आग से जला हुआ एक मरीज इलाज के लिए आया, वो इलाज के लिए तड़पता रहा। परिजन इधर उधर स्टाफ को गुहार लगाते रहे लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। बाद में परिजनों ने खुद से स्ट्रेचर पर लिटाकर उसे अंदर लेकर गए, तब जाकर उसका इलाज शुरू हो पाया। फिलहाल आग से झुलसा हुआ शख्स बर्न यूनिट में भर्ती है जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। सवाल ये उठ रहा है कि गंभीर रूप से जले शख्स के अस्पताल के स्टाफों ने मदद क्यों नहीं की इलाज के दौरान और उसे नजरअंदाज क्यों किया। फलादी शहर के सिनेमा रोड के पास एक अनियंत्रित गति से आई मोटरसाइकिल ने सड़क पर पैदल चल रहे दो लोगों को कुचल दिया। हादसे में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां गंभीर हालत होने के कारण इलाज के लिए उसे जोधपुर के अस्पताल में रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि शहर के सिनेमा रोड पर दो लोग पैदल चल रहे थे, ऐसे में एक अनियंत्रित गति से आई मोटरसाइकिल ने दो लोगों को टक्कर मार दी। नागौर जिले से गुजरने वाले हाईवे पर पुलिस की नाकाबंदी नहीं होने के कारण अवैध शराब माफिया इन दिनों जिले भर में सक्रिय हैं। नागौर कोतवाली थाना क्षेत्र के लानू हाईवे डेह गांव के पास से हरियाणा निर्मित अवैध शराब से भरे ट्रक को गुजरात ले जाया जा रहा था लेकिन शराब माफिया की गैंग ने शराब से भरे ट्रक को लूटने का प्रयास किया और चालक से मारपीट की जिसकी सूचना कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर शराब माफिया बोलेरो कार सहित मौके से फरार हो गए लेकिन एक युवक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साथ ही पुलिस ने शराब से भरा ट्रक भी जब्त कर लिया। अजमेर के सिविल लाइन थाना इलाके के जीआरपी पुलिस लाइन में नवजात शिशु का भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। जीआरपी सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को अपने कब्जे में ले लिया। भ्रूण प्लास्टिक की शीट में मिला है। आशंका जताई जा रही है कि किसी ने अवैध संबंधों में पैदा हुए बच्चे को पहचान छुपाने के लिए फेंका है। पुलिस ने अज्ञात महिला के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बीकानेर में बिजली कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। कर्मचारियों के साथ आए दिन मारपीट के विरोध में सभी कर्मचारी अधिकारी लामबंद होकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। विशाल प्रदर्शन कर सुडुंगरगढ़ के विधायक कृष्णाराम नाई का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। पिछले काफी समय से बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। पिछले दिनों बजू क्षेत्र में एक अभियंता को जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही सुडुंगरगढ़ में एक अभियंता को बस उतार कर उसके साथ मारपीट की गई। इन घटनाओं का विरोध करने के लिए संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया गया है। कर्मचारी नेता रमेश व्यास ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो 7 अप्रैल से बिजली बंद कर दी जाएगी।
अनूपगढ़ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। घटना नाहरा वाली गांव की है, जहां 20 साल के शंकरलाल की लाश पानी की डिग्गी में पड़ी मिली। युवक की आंखें फोड़कर जीभ काट दी गई है और उसके शरीर पर चोट के निशान भी है। जिसने भी इस मंजर को देखा वो सिहर गया। युवक के परिजनों ने कुछ लोगों पर प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का आरोप लगाया है। बहरहाल पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मौत की असली वजह क्या है, इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पता चल पाएगा। इस घटना की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी सुबह की। इस तरह डिग्गी है, आदुराम जी के खेत में डिग्गी है, उसके अंदर इस तरह एक व्यक्ति का शव है जिसकी पहचान शंकरलाल के रूप में हुई थी और उसके बारे में पूर्व में सूचना प्राप्त हुई कि भी इस तरह मिसिंग है। उस पर हम लोग सब लोग यहाँ आए थे। ग्रामीणों का थोड़ा सा इसमें ये था, ये मांग थी कि साहब इसमें से संबंधित आरोपी गण है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तो उस संबंध में इनकी और भी जो मांग थी उन मांगों पर विचार करके हमने एक आदमी को पूछताछ कर राउंड अप किया है और बाकी इनकी मांग के हिसाब से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इस साल कैला माता का मेला रोडवेज के अरमानों पर पानी फेरने वाला रहा। करौली के कैला देवी मेला में राजस्थान रोडवेज की धौलपुर डिपो को पिछले साल की तुलना में साल 3,33,000 रूपये का घाटा हुआ। कैला देवी मेले में लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के पहुंचते हैं। यात्री भार को भुलाने के लिए राजस्थान रोडवेज की ओर से विशेष प्रबंध किए गए थे और स्पेशल बसें भी चलाई गई थी, लेकिन रोडवेज को इस बार फायदा की जगह नुकसान हुआ है। घाटे की वजह किसानों पर बेमौसम बारिश की मार और नवरात्रि में एक तिथि कम होने से पिछले साल की तुलना में इस बार 8,300 यात्री कम आए, जिसके चलते रोडवेज को 3,33,000 रूपये का घाटा हुआ है। भरतपुर में कुंभकारों का व्यवसाय चौपट होने की कगार पर है। मिट्टी से बने मटकी सुराही घड़े से कुंभकार को दो वक्त की रोटी जुटाना भारी पड़ रहा है। कुंभकारों को मिट्टी की एक ट्रॉली के लिए 1500 रुपए और उपलों के लिए 130 रुपए की कीमत चुकानी पड़ रही है। मौजूदा समय में व्यवसाय से जुड़े संसाधन पहुंच से दूर और महंगे हो चुके हैं। बदलते हालात और बढ़ती महंगाई के दौर में कुंभकारों के सामने व्यवसाय को चलाना चुनौती बन गया है। सीकर के आदित्य गढ़वाल आईपीएल क्रिकेट में हिस्सा लेने के लिए रवाना होने से पहले बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान से अच्छे प्रदर्शन की दुआ मांगी। आईपीएल खिलाड़ी आदित्य गढ़वाल को शहरवासियों ने शानदार स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। आदित्य गढ़वाल कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के लिए चुने गए हैं। कोलकाता रवाना होने से पहले आदित्य ने कहा कि आईपीएल में इतना उम्दा प्रदर्शन करो कि लोग मुझे सीकर के नाम से जाने। उन्हें आदित्य के पिता ने कहा कि उनका सपना पूरा होने जा रहा है। आदित्य सीकर का ही नहीं राजस्थान का नाम भी रोशन करेगा। आपके लगे नहीं ना इनका।